सीआरएमपी है मिलोड़ी, Uh, सीआरएमपी है। yes, please, Laws. I am appearing on behalf of the complainant, respondent number two, Laws. So, the petitioner, father-in-law of Laws, has filed the question petition for questioning अच्छा of FIR under section अच्छा 498A. नो नो, हाँ अदर साइड कहाँ गए? अच्छा अदर वो साइड वो मैडम कहा वहाँ पे कर रही हैं वो सो लॉज जो में रिकॉल ऑन लॉज द अर्लियर ऑन डेट ऑफ हियरिंग 13th मिलोड़ of व्हाट, एक जस्ट होल्ड ऑन मैडम। हाँ यस, ऑन द अर्लियर डेट ऑफ हियरिंग व्हाट हैपेंड मिलोड़, वी हैव आर्गुड द मैटर। हाँ एंड माय सबमिशन वाज दैट मिलोड़ दैट बेयर रीडिंग ऑफ एफआईआर एंड होल कंटेंट उधर चार्टर, कंप्लेनेंट काउंसिल ने कह दिया था कि ये रीमैरी कर लिया, मगर रीमैरी नहीं हुआ था। रीमैरिज हस्बैंड ने कर लिया, हस्बैंड नहीं वाइफ इन, के बारे में नहीं, अच्छा वाइफ के बारे में, ठीक है। हस्बैंड ने तो कर यू लिया। आर्ग्यू केस योर तो क्रेस मेरा केस मेरा आर्गुमेंट सिर्फ यही क्या था, चैलेंज किया पहले ये बताइए हमें। हमने FIR और चार्जशीट दोनों चैलेंज किए चार्जशीट मिलो, चैलेंज किया, कोई इंटरिम ऑर्डर था क्या यहाँ? इंटरिम ऑर्डर इंटरिम था ऑर्डर था, ओके। अब एक चीज़ ये बताइए कि जी, हस्बैंड भी इसमें है? हस्बैंड हस्बैंड नहीं है खाली, वेयर इज द हस्बैंड? हस्बैंड कहाँ, हस्बैंड एट प्रेजेंट वो नहीं है मिलोर्ड, ही इज एब्सकॉन्डेड, ही इज एट ऑस्ट्रेलिया, एब्सकॉन्ड करके ऑस्ट्रेलिया एब्सकॉन्ड करके में? ऑस्ट्रेलिया, शुरू से वो एनआरआई था, शुरू से यार एनआरआई था वो। अच्छा, ओके। एनआरआई, और हमने इस फादर इन लॉ के खिलाफ, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के लिए लगाया था एप्लीकेशन, बट इन बिटवीन दिस इन द ईयर 2022 मदर इन लॉ एक्सपायर्ड ड्यू टू अच्छा कोरोना, मदर इन लॉ की डेथ हो गई डेथ है हो तो गई मिलो। उनका तो डिलीट करवा देते हैं। अब एज फार एज फादर इन मैडम लॉ, मदर इन लॉ हैज डाइड तो उनका यस तो डिलीट मिलो, कर देते हैं ना। यस मिलो, शी एट द हैज वेरी डाइड, आउटसेट द काउंसिल फॉर द पिटिशनर स्टेट्स दैट द पिटिशनर नंबर टू सुनीता गोपाल हु इज द मदर इन लॉ ऑफ द रेस्पॉन्डेंट नंबर टू हैज डाइड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, हेंस द शी इज प्रेजेंट पिटिशन ऑफ बिकम हैज बिकम इनफ्रक्चुअस, है ना? इनफ्रक्चुअस डाइड। किस तारीख को डेथ हुई है उनकी पता है? डेट डेट नहीं 9/4/2021 which has not been disputed यस by नाइन फोर you don't dispute ना, she has died ना, यस यस मैम मगर शी हैज not डाइड। disputed ना, तो वो इनफेक्शस। अब अब फादर इन लॉ के फादर विचार इन लॉ, इनके अच्छा इनके खिलाफ क्या एलिगेशन है लोग? खिलाफ मिला, फादर इन लॉ के खिलाफ एज फार एज फादर इन लॉ के खिलाफ FIR में कोई सिंगल विस्पर ही नहीं है, अच्छा नो अच्छा लॉज, आई डिनाई वन, लॉज, अरे टोटल मैडम रॉन्ग जस्ट स्टेटमेंट, प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज प्लीज होल्ड ऑन, वी विल गिव यू अपॉर्चुनिटी, डोंट वरी फॉर दैट। यस अब्लाइज्ड। नो हाँ मिलोर्ड एज फार एज उन्होंने 161 के स्टेटमेंट में जनरल और ऑब्लिगस ऑब्लिगस एलिगेशंस लगाया है, और उसमें ये लिखा है, मैं पढ़ देता तो हूँ, कोई आप लोग का मेडिएशन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं हुई थी क्या, मेडिएशन बिटवीन द पार्टीज? मिलोर्ड हाँ 2015 में, हाँ अक्टूबर 2015 में हस्बैंड आया था यहाँ पे, 2014 से जो कंप्लेनेंट है वो हैदराबाद में अपनी स्टडी परस्यू कर रही थी, अक्टूबर 2015 में हस्बैंड ने अपनी वाइफ को सीन सभी सम अदर पर्सन, तो अच्छा हैदराबाद से लेके बिलासपुर आया, उसकी मदर इन लॉ को बताया कि ऐसी ऐसी फैक्ट्स इसको, और उसके बाद यहीं पे अक्टूबर 2015 में ही प्रीफर्ड डिवोर्स पिटीशन बिफोर दिस बिलासपुर फैमिली कोर्ट में, अच्छा तो और उस डाइवोर्स डाइवोर्स हो चुका है। नहीं डाइवोर्स तो भी बाद में हुआ, उसके अच्छा बाद में लौट क्या हुआ कि उसके अक्टूबर 2015 और हस्बैंड की ने दूसरी शादी कर लिया है हस्बैंड ने शादी कर ली तो वो दूसरी, क्या मतलब विदाउट द डाइवोर्स नहीं डिवोर्स हुआ मिलोट, बाद में कोर्ट डिवोर्स हुआ बाय द कोर्ट? जी, वो बाय ऑस्ट्रेलियन कोर्ट, ऑस्ट्रेलिया उसमें अच्छा इट वाज अ बाई पार्टी ऑर्डर, शी अच्छा अपीयर्ड, एक्स पार्टी ऑर्डर, ना अच्छा बाई ठीक पार्टी ऑर्डर, है शी इज ठीक। अपीयर्ड। अच्छा अब अच्छा इसमें मिलोट जो 161 के स्टेटमेंट में इनका कहना है, इसमें ऑस्ट्रेलिया में मेरी सास सुनीता गोपाल, ससुर मनमोहन गोपाल भी साथ रहते थे, वो लोग भी मुझे शारीरिक मानसिक प्रताड़ना करते थे, मेरा सामान फेंक देते थे, मेरा सास बोलती थी कि तुम भाग जाओ, और अपने पुत्र अरुण गोपाल को बोलते थे कि इसे भगाओ, तब मैं इनकी प्रताड़ना को सहन नहीं कर पाई और बिलासपुर आ गई, एक्सेप्ट दिस। अच्छा ये भी इतना वेग है, 2014 के बाद से 2015 तक शी वॉज नॉट एट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में नहीं थी, रिपोर्ट लॉज किया जून 2016 में, 2.5 साल तक उनके साथ ही नहीं थी, और फादर इन लॉ के बारे में जो कब कब क्या क्या इंसिडेंट हुआ, क्या एलिगेशन है, कुछ नहीं है मिलो। तो और ये एंड प्रोसीडिंग्स हस्बैंड के खिलाफ भी है तो हस्बैंड के खिलाफ, हस्बैंड 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 का कुछ हो नहीं रहा क्योंकि तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में है वो, तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। अब नो मिलोड, ऑन द प्रीवियस डेट ऑफ हियरिंग मिलोड, आई हैव गिवन अ कंपाइलेशन ऑफ जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि व्हाट विल हैपन इफ एलिगेशन इज लेवल्ड अगेंस्ट हस्बैंड्स रिलेटिव्स, रिलेटिव्स, तो
उसमें आई हैव कंपाइल्ड आई हैव गिवन कंपाइलेशन सबको पता बट नाउ द लॉ इज वेल सेटल्ड मिलोर्ड। उसके बाद मिलोर्ड कंप्लेनेंट यहाँ पे आकर के एडिशनल रिटर्न फाइल करती हैं और एडिशनल रिटर्न का जो सम और सब्सटेंस है वो सिर्फ एक लाइन यही है जो 2016 से वो हर कोर्ट में बोलते आ रही हैं, वो सिर्फ एक चीज बोलती हैं, ये भाग जाएंगे इफ ऑर्डर हुआ भाग जाएंगे, ये ऑर्डर हुआ भाग नॉट बिफोर दिस कोर्ट इन ईच एंड एवरी। कहाँ भाग जाएंगे, कौन भाग जाएगा? अगर अगर ये ऑर्डर हो जाता है तो फादर इन लॉ ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे। अच्छा, अगर एंटीसिपेटरी बेल दे दोगे तो फादर इन लॉ, नहीं तो बेल तो आपकी हो गई होगी, बेल एंटीसिपेटरी बेल होगी, हो गई। उस एंटीसिपेटरी बेल में मिलोर दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज पुट कंडीशन कि आप अपना पासपोर्ट जमा करो। हमारा पासपोर्ट जमा है। अच्छा, अब बीच में मिलोर व्हाट हैपेंड कि नहीं एक सुप्रीम कोर्ट में कुछ बता रहे थे लास्ट हाँ टाइम, मैं उसमें भी आता हूँ। उसका क्या है? मतलब सबसे पहले तो मैंने ये बता देता हूँ कि क्राइम नंबर 446/2016 जो कि प्रेजेंट आपके समक्ष है, इसमें एक कोई भी मैटर कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है मिलोर। 440 क्राइम नंबर 446/2016 में 440 जो आपके समक्ष है, ये 446 है क्या? हाँ, एक दूसरे मैटर में एक दूसरे बाद सब्सिक्वेंट एलिगेशन काउंटर एलिगेशन दोनों एक दूसरे के खिलाफ करते रहे, मतलब प्रेजेंट में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं में नहीं मैटर है? दूसरे मैटर में एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए इन्होंने 420 का एलिगेशन लगाया था फादर इन लॉ के खिलाफ कि आप हमारी एंसेस्टर प्रॉपर्टी बेच रहे हो करके, इसमें इनका भी हिस्सा होगा, इनको मेंटेनेंस चाहिए 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी है, तो उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट गई थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इतनी दुकानें बेच करके इनको पेमेंट कीजिए। और मिलोर इन उसमें ये भी ऑर्डर था कि 1,25,000 रुपए इनको मेंटेनेंस अमाउंट जो दुकान का किराया है वहां से सीधे इनके फैमिली कोर्ट में, वो फैमिली कोर्ट अकाउंट में डाला जाए, तो ये ऑर्डर वहां पे है। बीच में क्या हुआ था मिलोर, क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी मनमोहन कौर की, दोनों घुटने खराब हो चुके हैं, ही इज सफरिंग फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर और लास्ट स्टेज है, तो चलने की स्थिति नहीं, सुप्रीम तो कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है? हाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिलोर इन्होंने लगाया है। तो कही जरूर। उसमें मिलोड हमने एप्लीकेशन लगाया था, मैं पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखा देता हूँ मिलोड, इन्होंने जो एडिशनल रिप्लाई फाइल किया है इसी में ही लगा हुआ है। ये मैटर सब जूडिस है कि खत्म हो चुका है वहां सुप्रीम कोर्ट में? ये मैटर मिलोड अभी इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दुकान बेचने की बात कही तो दुकान अभी बिकी नहीं है, वो प्रोसेस अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है कोई सिविल मैटर या आपका पेंडिंग जी। प्लीज इसमें पेज नंबर 57 में कैंडली भी सी पेज पेज नंबर फिफ्टी 57 ऑफ देयर एडिशनल रिप्लाई ये रिस्पॉन्डिंग नंबर 2 ना, जी, पेज 57 इसमें जजमेंट है इसका, मैं ऑपरेटिव पार्ट ठीक है। हाँ मिल गया। हाँ जी इसका मैं ऑपरेटिव पार्ट पढ़ देता हूँ मिलोट, एक पेज नंबर 64 पेज नंबर 64 64 जी, जी पेज नंबर बताइए। 64 में फर्स्ट फर्स्ट सिक्स कैट कॉन्टिगस ये जो मेरिट प्रोसीडिंग्स है ये जी, अराइजिंग आउट ऑफ ये देखिए 420, 406, 468, 464 दूसरे केस में कोई सम अदर मैटर बिटवीन द सम सेम अदर मैटर पार्टी, यस बिटवीन यस दिस पर्सन आल्सो एंड द रेस्पोंडेंट यस आल्सो, यस ये पेंडिंग है। और वहां भी इनका ये कहना था कि ये भाग जाएंगे उड़ जाएंगे, तो तो ऑनरेबल इस ऑर्डर के कंप्लायंस में जो भी प्रोसीडिंग्स है अभी चल रही है, चल रही है। अभी चल रही है एग्जीक्यूशन ओके केस में लॉर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है, अच्छा, दुकान किराया जमा हो रहा है, दुकान अभी तक बिकी नहीं है, दुकान बेचनी है उसकी भी प्रोसेस चल रही ओके 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 ठीक है, ये ऑर्डर हुआ मिलोर। ठीक अब इनका जो कहना है मिलोर उसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि हम भाग जाएंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको कहीं नहीं जाना है, अगर इफ द ऑनरेबल कोर्ट वांट्स टू होल्ड तो मिलोर आप होल्ड कर सकते हैं कि हम इसमें अगर हम बिना, क्योंकि वैसे भी ऑर्डर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने व्हाइल ग्रांटिंग इंटरिम बेल टू द पिटिशनर्स मिलोर में, इन्होंने खुद लगाया पेज नंबर 22 देखेंगे मिलोर, पेज नंबर टू हालांकि ये इंटरिम ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर खत्म हो चुका है, मैं फिर भी एक बार मैं रिफर कर दे रहा हूँ नहीं, तो जब इंट्री ऑर्डर खत्म हो चुका तो हमें क्या इसलिए मतलब बता रहा है? हूँ कि हाँ इसमें फाइनल में बेल मिल गई है नहीं, ये एंटीसिपेटरी बेल 420 में मिली है। 420 अच्छा, उस और ये एंटीसिपेटरी और चार सौ इसका ट्रायल की क्या पोजीशन ट्रायल पेंडिंग है भी है? आपके खिलाफ ट्रायल पेंडिंग है? पेंडिंग अच्छा, वो अभी कुछ हुआ नहीं उसमें तो चल रहा है उसमें नहीं तो वेर देर इज एनी इंटरिम ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्टेइंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नो ट्रायल, स्टे तो नहीं हुआ वो उसकी क्या स्टेटस है फिर? वो पेंडिंग चल रहा है मिलोर अभी में, पेंडिंग चल रहा है, किस सन का मामला है वो? वो 2020 का है क्योंकि उसमें मैं काउंसिल नहीं हूँ, मुझे उसके बारे में अच्छा बहुत ज्यादा छोड़ दो जानकारी नहीं छोड़ है छोड़ दो
अच्छा उसमें ओके। उसमें मिलोट ये एंट्री बेल भी और जो इस वाले में आपका जो एंटिसिपेटरी बेल में आपका पासपोर्ट और इम्पाउंड हुआ। जमा है, वो जमा ही रहने दे हमें कोई दिक्कत। अच्छा आप उसमें आप होल्ड कर सकते हैं कि अगर इनका अगर इफ इफ द ऑनरेबल कोर्ट वांट्स टू पास ऑर्डर इन माय फेवर, तो वो ये भी होल्ड कर सकते हैं कि इनका तब तक पेंडिंग रहेगा जब तक, क्योंकि वो उनकी जो कंडीशन है उस लायक है ही नहीं कि वो जा सकते। ठीक है। अच्छा बस ठीक है। यस मैडम आप बताएं आप। यस मिलोस मिलोस आई हैव टू फोल्ड सबमिशन टू मेक। मिलोस फर्स्टली दिस मैन प्रेजेंस इन इंडिया इज रिक्वायर्ड फॉर जी रिकवरी ऑफ 2 करोड़ ऑफ एरियर्स अप्रोक्सीमेटली। मिलोस फॉर 2 करोड़ एरियर्स आर पेंडिंग अगेंस्ट हिम एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज फिक्स्ड लाइबिलिटी अपॉन द फादर इन लॉ टू पे दैट अमाउंट। फॉर दैट अच्छा मिलोस माई लर्नर्ड फ्रेंड हैज जस्ट शोन द ऑर्डर डेटेड 20/10 ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मिलोस काइंडली पेज हैव अगेन 20/10 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर मिलोस पेज 63 63 मिलोस ऑफ माई एडिशनल रिप्लाई। 63। यस दैट इज द सेम ऑर्डर ऑफ 20/10/23 पास्ड बाई द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। 63 20 किस तारीख ऑर्डर है? अभी ट्वेंटी अभी अच्छा जो टेन दिखाया है अभी अभी हाँ जी देखो। हाँ जी मतलब पेज 63। हाँ मिल गया जी मैडम यस मिल सो मतलब गया। काइंडली हैव लास्ट 2 लाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पैरा 18 ऑन पेज 63 पैरा पैरा एट में 18 जी जी 18 जी द प्रेजेंट जी केस एज डिस्कस्ड अर्लियर हैज डिस्प्लेस्ड परसिस्टेंट डिफाइंट कंडक्ट बाय वरुण गोपाल एंड द कमिश्नर मोहन गोपाल हु हैव थ्रू ऑन वन प्रिटेक्स्ट और अनदर स्टॉल्ड कंप्लायंस विद द ऑर्डर्स ऑफ दिस कोर्ट। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पिटिशनर एंड वरुण गोपाल हु आर हेल्ड लायबल टू फुलफिल द पेमेंट ऑफ एंटायर सम। लॉस सो लॉस इन 21 द अमाउंट वाज 1.25 crore, नाउ इट हैज स्वोलन टू अप्रोक्सीमेटली 2 crore। सो लॉस दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू गेट द ऑक्शन ऑफ 6 shops एंड 1 gym ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड देन पे द अमाउंट टू द कंप्लेनेंट एंड इफ द जी ऑक्शन फेल्स then laws his the father in law presence is required in Delhi to appear before the sub registrar to transfer these properties in the name of the respondent number 2 laws. So laws जी firstly laws so all this is done laws there are 2 other FIRs domestic violence case he has not filed questioning in any other case. Why? Only because of the reason that his passport is compound is impounded in this FIR. So he wants to get this FIR quashed and run away to Australia to his son. Are you aware of the condition of the father-in-law? Laws, all these documents are of 2022. Laws, law, kindly see the additional the documents filed by them, the medical record. नहीं प्रॉब्ली व्हाट Laws, he appears before the अपना Honorable कोई Supreme आपने Court. डॉक्यूमेंट लगा रखा है मेडिकल उनके? डॉक्यूमेंट, हाँ मेडिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट सबका डॉक्यूमेंट लगाया लगाए है हैं मिलोड। मिलोट। लॉ 2019 के हैं, 20 के हैं और 21 के हैं और 22 के हैं। 22 के बाद नहीं कोई तो डॉक्यूमेंट नहीं। मैडम एक चीज ये बताइए, आपका जो ये 420 साल ये इसमें तो प्रोसीडिंग्स हैं, ये इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स हैं, दैट ये इज अ प्रोसीडिंग्स सेपरेट वहां पर एफआईआर। चल वो तो चल रही है रिकवरी ना, प्रोसीडिंग चल रही है मिलोस। वो तो प्रोसीडिंग। अब सो फार दिस प्रोसीडिंग इज कंसर्न, ही यस हैज कम फॉर क्वाशिंग। यस योर मिलोस एप्रिहेंशन इज दैट इफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस केस आर क्वाश्ड देन हिज ही विल पासपोर्ट, एब्सॉन्ड देन यस ही हिज पासपोर्ट विल बी रिलीज मिलोस ऑटोमेटिकली बिकॉज इट इज हिज इंपाउंडेड इन दिस पासपोर्ट विल बी एफआईआर। रिलीज एंड द एंटिसिपेटरी बेल विच वॉज ग्रांटेड बाय द एपेक्स कोर्ट इन यस द केस विच इज पेंडिंग, उसमें कोई कंडीशन नहीं है क्या? नो मिलोस हिज एंटिसिपेटरी बेल वाज डिसमिस्ड, रेगुलर बेल वाज अलाउड तो उसमें कोई इन कंडीशन नहीं है, उसमें पासपोर्ट का कोई कंडीशन उसमें कंडीशन। है? उसमें यस वो ऑर्डर कहाँ है? वो ऑर्डर कहाँ है मैडम, मिलोस लगा रखा है क्या वो ऑर्डर? मिलोस दैट ऑर्डर वाज पास्ड इन हिज एंटिसिपेटरी बेल दैट इज एट पेज 24 पेज 24 24 ऑफ दी ट्वेंटी ऑफ माय टू ट्वेंटी एडिशनल रिप्लाई मिलोस। ट्वेंटी टू अच्छा 24 उसको करेक्ट कर दिया, 24 कर दिया। एनेक्चर R2C, अच्छा R2C इसी को दिखा रहा था मैं। एनेक्चर R2C एक इंटरिम मेजर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था। पेज नंबर 24 एडिशनल रिटर्न ऑफ द कंप्लेनेंट। मिल गया। यस मिलोस 24 मिलोस द हाई कोर्ट वाइल इशू सुप्रीम कोर्ट वाइल इशूइंग नोटिस इन द लास्ट पैरा सेज पिटिशनर शैल नॉट लीव द कंट्री विदाउट परमिशन ऑफ दिस कोर्ट एंड देयर पासपोर्ट व्हिच हैव ऑलरेडी बीन कन्फिस्केटेड शैल नॉट बी रिलीज टू देम अनलेस अदरवाइज ऑर्डर्ड। सो मिलोस इवन द सुप्रीम कोर्ट वाज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट आफ्टर गेटिंग हिज पासपोर्ट रिलीज ही विल रन अवे। सो मिलोस माय प्राइमरी ऑब्जेक्शन टू द दिस क्वेश्चन पिटिशन इज दैट हिज पासपोर्ट इज इंपाउंडेड इन दिस वेरी एफआईआर व्हिच इज बिफोर माय लॉर्ड्स।
if laws questions this FIR, his passport will be released to him. He will run away to Australia, Mlaws. Mlaws, kindly see, he says he is not well. All the medical documents, Mlaws, are of the year 9. So just, madam, just hold on. Yes. This order was passed in 971 of 2017. ये 420 का ऑर्डर है कि 420 इन द FIR, यस, अंडर 420. तो अब जो इसमें ये बात एपेक्स कोर्ट के सामने आई कि जो है जो इनका पासपोर्ट ऑलरेडी वो रिलीज नहीं होगा. Yes, so, so supposing when there is already an order of the apex court, yes, that your passport, so we cannot direct also for supposing is the proceedings of this case is quashed, then the yes, passport will remain impounded. No, in which FIR then? Huh? In which FIR? It's under the orders of the court, Supreme Court order. Under the orders, it will not be released to him. We can observe while quashing so that so long as this matter is pending before the Supreme Court, this passport should not be impounded, should not be released. No, no, this was only an interim order by the Supreme Court. Apex Court and say, bhai, bata liye isko, wo clarification kar lijiye aap, aur kya? Get this matter also decided because there is an order of the Apex Court. है ना. तो व्हाट शी अप्रिहेंड्स बिकॉज़ देयर इज ऑलरेडी एन ऑर्डर ऑफ द अपेक्स, इट विल नॉट बी प्रॉपर फॉर दिस कोर्ट टू मेक एनी इंटरप्रिटेशन और व्हाट ऑर्डर टू देखिए ये ऑर्डर में नॉट एंट्री मेजर में था, ये ऑर्डर खत्म हो चुका है. ये ऑर्डर इंट्रीम ऑर्डर था, ये ऑर्डर खत्म हो चुका है. ये इंट्रीम ऑर्डर था जी. यस नो, क्या हुआ, ये इंट्रीम ऑर्डर था. एंटीसिपेटरी बेल वाज डिसमिस्ड देयर आफ्टर नॉट. नहीं नहीं, जस्ट ये इंट्रीम ऑर्डर, ये इंट्रीम ऑर्डर था, इसको खत्म. यस, इसके बाद क्या ऑर्डर किया कोर्ट ने, बात क्या हुआ ब्लॉट, मतलब डिसमिस कर दिया इररेगुलर बेल. अच्छा, while granting regular bail, no, no, anticipatory bail was dismissed by Supreme Court. अच्छा, ठीक. Yes. And वो order कहाँ है, dismiss वाला order? Dismiss वाला order, madam, कहाँ लगा है? No, that is on not on record, but it is a fact that anticipatory bail was dismissed. Okay. Yes. नहीं तो वो dismiss कर दिया court. Dismiss. हाँ, yes. Regular bail grant किया मिलो. Then regular bail after 10. Regular bail grant. Regular bail Supreme Court ने grant. Yes, no. After 10 months custody. वो कहाँ है? वो भी लगा नहीं है, नो लगा है. नो, दैट ऑर्डर इज नॉट ऑन रिकॉर्ड ऑफ ग्रांटिंग बेल. मैडम, जो चीज लगाना चाहिए वो तो आप लोग लगाते नहीं हो. ना आपने लगाए ना वो लगाए, तो लगाना नहीं चाहिए ना. वो 420 के ऑफेंस में नहीं, तो फिर भी एक है जो चीज उसमें मैं बता रहा हूँ. अब बताना क्या मुझको ऑर्डर चाहिए सर, ब्लैक एंड व्हाइट. ना आप लगाओगे ना वो लगाएंगे, तो लगाइए उस ऑर्डर को, खत्म बात. और क्या, दैट ऑर्डर हैज नो रेलेवेंस टू द कंट्रोवर्सी हियर. नहीं नहीं मैडम, सॉरी, प्लीज नो, दैट ऑर्डर हैज बीन ऑलरेडी, रेगुलर बेल हैज बीन ग्रांटेड, राइट, प्लीज नो, प्लीज, बिकॉज दिस ऑर्डर इज नो मोर एन ऑर्डर ऑफ द एपेक्स कोर्ट नाउ, जो आपने अभी दिखाया है ना, ठीक है. यस यस, ये डिसमिस हो गया. रेगुलर बेल व्हिच वाज ग्रांटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, वेदर देयर वाज एनी कंडीशन इम्पोज्ड बाय द एपेक्स कोर्ट फॉर इम्पाउंडिंग द पासपोर्ट, बिलोड, please, whether, no, there is no such condition. वो जब वो नहीं है मैडम, तो how can you hold that, how can you hold that proceedings, how can you hold that proceedings, because in this very case the court has said that so far as the passport is concerned it won't be released. It yes, ma'am. ये इस वाले केस में कह रखा है, लेकिन एपेक्स कोर्ट का ऑर्डर तो कोई ऐसा नहीं है कि जो है, ये तो इसलिए कह रखा है कि सो लॉन्ग एज दिस कोर्ट इज दिस मैटर इज सब जुडिस एंड अनलेस इट इज डिसाइडेड इन आइदर वे द पासपोर्ट शुड नॉट बी रिलीज, दैट इज व्हाट, प्लीज, यही है ना. यस, यही ना. तो yes, अब आपका जो सिविल लिटिगेशन है, जो 420 का केस है, सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन है रिगार्डिंग जो भी प्रॉपर्टी आपको देना है, no, that is not civil litigation, laws. That order for recovery. Just hold on, madam. Just hold on. Criminal case, laws. No, no. Just not hold in on. Civil case. Please, I understand. It is the criminal case. Yes. But in that very case, there is no order for impounding of yes, the passport. Yes, laws. Yes, right? Yes. The proceedings are free to go on, and it is pending. It has to go. ठीक है ना? Yes, laws. Therefore, so far as this present petition is concerned, so, if the proceedings against the father-in-law is quashed, then you say that his passport would be released. Yes, right? Yes. This is your only apprehension. Yes, yes. So what we can do is that I am of the opinion that this proceedings be quashed, yes, and his passport should not be released, yes, because of the Supreme Court's matter pending. Please, your interest will be safeguarded. Yes, ma'am. Yes, no, ma'am. Your interest will be safeguarded. That is all. Yes, no, that is the first. Yes, ma'am. I'm so grateful. Now, ma'am, I will.
Yes, no, I'm so Because so far as you are concerned, not with the father-in-law going in jail, right? Yes, you are concerned that the apex court, which has passed the orders for clearing of the arrears, which is due to the complainant, that should be paid off. Yes, right? The Supreme Court the proceedings which the proceedings which are pending before the trial court in the case which is sub judice before the apex court, that will be brought to its logical end. Yes, no. So that the Supreme Court order is implemented. So that your concern is that only. Yes. Because he's a person on the basis of the evidence. Yes. Concern was with the dispute was with your husband. No, husband and father-in-law. That is what I'm submitting. That was my first objection. Second, Mlods, I will address Mlods on the merits of the case. There are specific allegations, Mlods. So, Mlods, I will cite one judgment of Niharika Infrastructure. Mlods, kindly have that judgment. And then I will take Mlods through the statement and the FIR, which was got registered by the respondent number two. There are no specific allegations against the father-in-law. Madam, you know how the things move in 498 is. You are in Delhi. You must be in a better position to understand how the things are going on. Please, Mlods. Mlods, first I will cite the Niharika judgment. And then, Mlods, I'll take Mlods through the statement of the complainant. Now, Mlods, the Niharika judgment is 2021, volume 19, Supreme Court cases 401. So that is the citation. So, Mlods, in Niharika judgment, Mlods, the Honorable Supreme Court held in para 13.5, while examining an FIR, quashing of which is sought, the court cannot embark upon an inquiry as to the reliability or genuineness or are the allegations made in the F-oblique complaint. Criminal proceedings ought not to be scuttled at the initial stage. And then was in 13.12 para, the Honorable Supreme Court has held, the first information report is not an encyclopedia, which must disclose all facts and details relating to the offense reported. Therefore, when the investigation by the police is in progress, the court should not go into the merits of the allegations. Police must be permitted to complete investigation. It would be premature to pronounce the conclusion based on hazy facts that complaint does not deserve to be investigated or that it amounts to abuse of process of law. During or after investigation, if the investigation officer finds that there is no substance on the application, then Mlods, he can file the appropriate report before the magistrate. So Mlods, this is the law of the Supreme Court, so that the FIR should not be quashed on the face of it. Now Mlods, kindly come to the allegations. Mlods, kindly have in my very affidavit, additional affidavit, which I was taking Mlods through, page 36, Mlods, that is my first complaint, first statement made to the police, dated 24th of March 2016, 4 months before registration of the FIR. So, Mlods, now I'm addressing Mlods only on merits. Page number? 36, Mlods. Of the additional affidavit? Yes, Mlods, yes. जी यस नो नो है पेज 36 यस नो नो देयर इज पैरा 2 सो दिस इज एड्रेस टू द एसएचओ ब्लॉक्स पैरा 2 ब्लॉक्स विवाह के कुछ दिनों बाद से वरुण और उसके माता-पिता का व्यवहार बहुत ही हिंसक था मारपीट और गाली-गलौज तथा पैसों की मांग 4 से 5 लाख रुपए की हनीमून ट्रिप टूर का खर्चा और बात बात पर तलाक देने की धमकी मायके का घर वरुण के नाम कराने की धमकी अक्सर दी जाती थी और इन सब कार्यों से मेरे सास ससुर की सहमति थी मलॉज देन मलॉज द नेक्स्ट पैरा पेज कुछ दिन आने के बाद वरुण के द्वारा मुझे फोन पर तलाक देने की धमकी एसिड अटैक मेरी माँ के साथ गलत कृत कार्य की धमकी दी जाती थी इन लोगों ने मुझसे षड्यंत्र पूर्वक भारत भेज दिया और यह सिलसिला लगातार चलता रहा जिसकी वजह से मैं मानसिक दबाव में आ गई और भावनात्मक रूप से टूट गई और मेरी प्रताड़ना की गई सो मतलब देयर आर स्पेसिफिक एलिगेशंस दैट डिमांड ऑफ रुपीस 2-3 to 4 लाख वाज मेड बाय द फादर इन लॉ बाय द हस्बैंड एंड द मदर इन लॉ देन मतलब हैव पेज 38 मतलब पैरा 5 मतलब रेस्ट ऑफ द एलिगेशंस आर अगेंस्ट द हस्बैंड आई डोंट बॉदर माय मलॉज पैरा पेज 38 मतलब लास्ट 1 2 3 4 5 यस मलॉज पैरा 5 लास्ट 5 लाइंस अभी वो पूरी फैमिली दिल्ली में है और यह वरुण और उसके माता पिता जल्दी ही दिल्ली व उसकी प्रॉपर्टी
बेचकर हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहे हैं और वरुण ने स्वयं मुझे बताया कि वह ऑस्ट्रेलिया में वन साइडेड डिवोर्स ले लेगा एंड नॉट व्हिच एक्चुअली हैपेंड एक्स पार्टी डिवोर्स वाज टेकन बाय हस्बैंड और मुझे कोर्ट केस में 5 से 7 साल फंसाए रखेगा इसलिए मेरा निवेदन है कि वरुण और उसकी फैमिली पर ऑस्ट्रेलियन वीजा की स्वीकृति को खारिज किया जाए सो ब्लॉज हर एप्रीहेंशन विच वर मेड इन द 2016 मतलब प्रूव्ड ब्लॉज ट्रू टुडे ब्लॉज देन ब्लॉज हर मतलब नो एफआईआर वाज रजिस्टर्ड ऑन दिस स्टेटमेंट ब्लॉज देन नेक्स्ट पेज इज पैरा ये जो स्टेटमेंट आप ये पढ़ा रही हैं ये आपने ये आपका क्या दिस इज अ प्रॉब्लम एप्लीकेशन एड्रेस टू द investigating officer. Yes, no. Is this the statement under section 161 CRPC of yours? Blos, this is only an application. This is only an application. Application, no. So no FIR. Sir, your statement was recorded under section 161 CRPC. Not a part of charge sheet also. And this is not a part of the charge sheet also. This is not a part of the charge sheet, madam. This is not the part of the charge sheet. Whether the statement under section 161 was recorded of the... yes, no, after FIR, no, that is has been... Where is that, madam? Yes, no, that is on record. Wo kahan hai? Wo 161 ka kahan hai? 161 laga rakha hai? 161 ye... मैंने लगाया है पिटीशन नंबर माय पिटीशन और मैं फाइंड इट एट पेज नंबर 21 ऑफ माय पिटीशन मिलो और जो मैं जितना मैंने पढ़ा है उतना ही बोला है हमारे खिलाफ पेज नंबर 21 ऑफ माय पिटीशन कथन प्रार्थिया श्रीमती Yes. So kindly have page first para page 14 we have page 21 you come to your statement is there yes Srimati Sachin sir may I read me now ek second unko padhne dijiye zyada acche main prok pata itna pe rehti hu acha ye jo supreme court mein matter pending tha ye dispose of ho gaya ki no no abhi pending hai wala pending hai jo execution pending hai execution ka nahi hai acha execution और वो 420 वाला केस में क्या हो रहा है अभी पेंडिंग है ट्रायल उसमें आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया 420 वाले के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया चार्जेस फ्रेम हो गए नो चार्जेस नो चार्जेस आर नॉट अभी तो अब बताइए इतना पुराना मुकदमा आप अभी तक उसको बढ़ा नहीं पाए दिस इज अ स्टेट ऑफ अफेयर्स जस्ट लुक एट नो नो हस्बैंड एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द पुलिस कस्टडी आफ्टर पेइंग दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम लाइज ना दिस इज द प्रॉब्लम फॉर यू यू आर आफ्टर दिस ओल्ड मैन There is an order of the apex court for execution. The execution is going on, but you are not interested in prosecution. Laws, I am not after the father-in-law laws. I have just read over the order of 2010 of the Supreme Court. Supreme Court that defined attitude of the father-in-law. There is no dispute of the order. There is no order of the dispute regarding the order of the Supreme Court regarding the execution of the proceedings. But the proceedings which are pending, which has not been stayed by any court. Why the trial has not yet been concluded? This is what I am asking. Laws for 1 year mediation proceedings were pending in Supreme Court during their anticipatory bail laws. दिस ऑर्डर इज ऑफ द ईयर किस कब का है ये ऑर्डर ये 20 का तो इसको तो आपको लॉजिकल एंड पे मैडम लाना था ना इसको तो आपको तो ट्रायल टू स्टे प्लीज नॉट नो वी हैड बीन अपीयरिंग बिफोर द ट्रायल कोर्ट नॉट इट वाज फॉर देम आल्सो पर क्या पोजीशन था बिकॉज़ वो तो नहीं आ रहे थे पेंडिंग है चार्जेस लगने वाला अपीयर हुए बताओ ना बिकॉज़ नो ही इज ऑन बेल सो व्हाई ही वुड प्रेस फॉर अ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हैड बी इन इनसाइड देन ही नहीं नहीं तो हिज बेल शुड बी कैंसिल्ड इफ द इफ ही इज नॉट अपीयरिंग हिज बेल कैन बी कैंसिल्ड There is a recourse to law. Who Please stops not. You? Please Who stops not. You? Chaliye, we have heard you. We will see to it. Laws may kindly have laws 161 statement laws. Laws were reading. Haan, wo padh raha tha. Wo dekh liya page 21 page number 21 mein. Laws page 21 laws. It's in the middle laws. That what I have already read. Yes. Kya padh rahe the aap? Laws. It's in the middle of 161 statement. Australia mein mere saas Sunita Gopal, sasur Manmohan Gopal bhi saath rehte the. और मुझे शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना करते थे और मेरे सामान को लेकर मेरे सास मुझे सामान को फेंक देती थी
तुम भाग जाओ, मतलब स्पेसिफिक एलिगेशन दैट मुझे मानसिक प्रताड़ना की जाती थी लॉस एंड लॉस एंड सो ना दीज आर द एलिगेशन स्पेसिफिक एलिगेशन इन 161 स्टेटमेंट आल्सो लॉस कपल्ड विद माय अर्लियर स्टेटमेंट ठीक है स्पेसिफिक एलिगेशन लॉस इवन चार्जेस डोमेस्टिक चार्जेस वर लेवल्ड अगेंस्ट द फादर एंड लॉ एंड द हस्बैंड एंड व्हाट हैपेंड इन द डोमेस्टिक वायलेंस केस उसमें क्या हुआ पेंडिंग खत्म तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका लड़का वहां बैठा हुआ है, जब तक वो वहां से यहाँ नहीं आएगा ये केस खत्म नहीं होगा, ये भी आप समझ लीजिए. Let the matter be listed in due course. The interim order, if any, shall continue till then until further. Chal, let it so, be pending. So yeah, grateful. I'm so grateful. This case will die its own अपने normal course में. आप कहीं जा सकते नहीं, कुछ है नहीं.